हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप करता हूँ आप लोग काफी ज्यादा अच्छे होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं किया सेल्टॉस फेसलिफ्ट के एचटी के वेरिएंट यानी कि सेकंड बेस वेरिएंट के बारे में, क्योंकि जो बेस वेरिएंट्स है ना उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है और काफी ज्यादा लोग ना बेस वेरिएंट्स लेना प्रेफर करते हैं। सो आज इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों को बताएंगे कि अगर आप लोग एचटी के वेरिएंट लेने के लिए सोच रहे हैं ना, तो आपको यहाँ पर कौन कौन से फीचर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, एक्सटीरियर में कौन से फीचर्स मिलेंगे, इंटीरियर में कौन से मिलेंगे, कंफर्ट फीचर्स कौन कौन से मिल जाते हैं, इंजन ऑप्शन कौन सा है, साथ ही इंटीरियर की कलर स्कीम कौन सी होने वाली है, प्राइसिंग क्या है, फुल डिटेल में बात करने वाले हैं। सो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए ना, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे जो कॉन्टेंट है ना वो हम आप लोग से डेली शेयर करते रहते हैं। आप में से काफी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो सिर्फ वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं, बट मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं वीडियो को, तो ये चीज हमें मोटिवेट करती है डेली आप लोगों के साथ ऐसे कॉन्टेंट शेयर करने के लिए। सो दोस्तों, फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, चलते हैं बात करते हैं एचटी के वेरिएंट के बारे में। सो सबसे पहले आप लोगों के लिए ये बात जानना जरूरी है कि अगर आप लोग एचटी के वेरिएंट लेने के लिए सोच रहे हैं, तो यहां पर आपको कौन कौन से इंजन ऑप्शन और ट्रांसमिशन ऑप्शन मिल जाते हैं। तो अगर आप लोग एचटी के वेरिएंट लेने के लिए सोच रहे हैं, तो यहाँ पर आपको दो चॉइस मिलेंगी। एक आपको मिलेगा 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि मैनुअल के साथ में मिलेगा, 6 फीट मैनुअल ट्रांसमिशन। दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा 1.5 लीटर का डीजल इंजन, जिसके साथ आपको IMT अवेलेबल मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर की, कि आपको यहाँ पर कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल दिए जा रहे हैं। अब मैं यहाँ पर ना आपको एक इमेज शेयर कर रहा हूँ जो कि हमारी टीम ने डिज़ाइन की है। अब इसके अंदर जो ब्लैक कलर के अंदर फीचर्स हैं ना, ये सारे फीचर्स कैरी फॉरवर्ड हुए हैं फ्रॉम दी बेस वेरिएंट यानी कि HTE वेरिएंट। और जो रेड के अंदर मैंने हाईलाइट किए हुए हैं ना, वो फीचर्स हैं जो कि यहाँ पर इस वेरिएंट के अंदर एडिशनल एड ऑन हुए हैं। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। मैंने आप लोगों के लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये जो चीज़ है ना वो यहाँ पर की है, जिससे आपको बेटर क्लैरिटी आ पाए। तो यहाँ पर अगर आप लोग फीचर्स देखेंगे ना, तो मैं सीधा रेड वाले जो फीचर्स लिखे हुए हैं ना, सिर्फ उसी की बात करने वाला हूँ। जो ब्लैक वाले हैं वो मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। सो HTE वेरिएंट वाले सारे फीचर्स यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। और यहाँ पर जो एडिशनल फीचर्स हैं वो है सिल्वर रूफ रैक, प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स, जो फॉग लैम्प्स ही यहाँ पर एड ऑन हो जाते हैं, टर्न इंडिकेटर्स जो हैं वो आपको यहाँ पर ORVMs पर मिल जाएंगे, फ्रंट और रियर में जो मड गार्ड्स हैं वो अवेलेबल दिए जा रहे हैं, जो कि मिट्टी वगैरह जब हम कार को ड्राइव करते हैं ना, तो मिट्टी जब आती है तो पीछे स्प्लैश आउट होती है, तो मड गार्ड उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो अच्छी चीज़ है, काफ़ी कंपनीज तो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के अंदर भी नहीं देती हैं, एज अ एडिशनल एसेसरी के अंदर हमें इसको बाय करना पड़ता है, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद में ये सारे फीचर्स तो हो गए इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर के। अब बात आती है इसके टेक्नोलॉजी एंड कनेक्टिविटी की। अब यहाँ पर आपको एडिशनली जो अवेलेबल दिया जा रहा है, इस वेरिएंट से आपको 8 इंचेस की टच स्क्रीन मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले अवेलेबल दिया जा रहा है। यानी कि सेकंड बेस मॉडल से ही वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले है, बहुत अच्छी चीज़ है। स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाएंगे, सारे ही डोर्स के अंदर आपको स्पीकर्स मिल जाएंगे, ट्विटर्स भी दिए जा रहे हैं, ब्लूटूथ मिलेगा, साथ ही USB टाइप ए पोर्ट जो है वो भी यहाँ पर अवेलेबल दिया जा रहा है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पर की हुई है। उसके बाद में बात आती है कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की। तो यहाँ पर जो एडिशनल फीचर्स एड ऑन हो रहे हैं वो है ऑटो लाइट कंट्रोल, ड्राइवर साइड की पावर विंडो ऑटो फीचर के साथ में अप एंड डाउन के लिए, और उसके बाद में लगेज लैंप मिल जाता है यानी कि बूट स्पेस में, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं HTK वेरिएंट से, रियर व्यू कैमरा विद डायनामिक गाइडलाइंस, ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर, साथ ही यहां पर इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल आउटसाइड रियर व्यू मिरर, तो ये भी यहां से आपको अवेलेबल दिया जा रहा है। सो अगर आप लोग यहां पर नोटिस करेंगे ना, तो ऐसे कुछ फीचर्स हैं जो कि आज से पहले हमें टॉप वेरिएंट के अंदर अवेलेबल मिला करते थे, बट यहां पर ना बहुत अच्छी चीज़ की है मोटर्स ने की हुई है कि HTK वेरिएंट के अंदर इतने सारे वैल्यू फॉर मनी जो फीचर्स है ना वो अवेलेबल करा दिए गए हैं, जैसे फ्रंट पार्किंग सेंसर्स हो गए, इसके स्क्रीन हो गई 8 इंचेस की, बहुत अच्छी चीज़ है, और भी अदर फीचर्स हैं जो कि यहाँ पर एड ऑन कराए गए हैं। अब बात करते हैं इसके सेफ्टी फीचर्स की। अब मैं आप लोगों को बता दूं, जो किया सेल्टॉस है ना, वो 15 ऐसे स्टैंडर्ड फीचर्स हैं जो कि सारी ट्रिम्स के अंदर ऑफर कर रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात है। तो बात करते हैं एक एक करके कि कौन कौन से फीचर्स हैं। सो यहाँ पर जो फीचर्स मिल जाते हैं वो है ESC, VSM, HSC, फ्रंट डुअल एयरबैग्स, फ्रंट सीट साइड एयरबैग्स, साइड कर्टन एयरबैग्स, ABS, BS, ब्रेक असिस्ट सिस्टम, ऑल व्हील्स के अंदर डिस्क ब्रेक्स, एमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, टायर प्रेशर मॉनिटर,
रियर पार्किंग सेंसर, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक्स, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, फ्रंट एंड रियर ऑल सीट 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स विद रिमाइंडर। तो ये सारे फीचर्स जो है ना वो आप लोगों को यहाँ पर अवेलेबल दिए जा रहे हैं, HT के वेरिएंट भी और सारे ही जो ट्रिम्स हैं वहाँ पर ये फीचर्स स्टैंडर्ड है जो कि अवेलेबल दिए जा रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो HT के वेरिएंट के कलर ऑप्शंस नज़र आएंगे। एक्सटीरियर के अंदर आपको टोटल 6 कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं सिंगल टोन के अंदर, कोई भी डुअल टोन जो ऑप्शन है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं दिया गया है। वहीं अगर बात करें इंटीरियर की तो ऑल ब्लैक जो इंटीरियर है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। सो सेम वही चीज़ है कि जो लो वेरियंट्स हैं वहाँ पर आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर मिलेगा, और अगर आप और ऊपर वेरियंट्स के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर डुअल टोन जो है इंटीरियर कलर स्कीम वो देखने के लिए मिल जाएगी। सब बात आती है इसके प्राइसिंग की। अगर आप लोग पेट्रोल में HT के मैनुअल ट्रांसमिशन लेते हैं तो यहाँ पर जो इसका एक शोरूम प्राइस है वो है 12,09,900 रुपीज़, और ये इसका एक शोरूम प्राइस है। और बात करें इसके ऑन रोड की तो अप्रॉक्सीमेट मैं आपको बता रहा हूँ 14 लाख रुपये के आसपास ये कॉस्ट करने वाला है। और वहीं अगर हम लोग बात करें इसके डीजल की तो जो डीजल की प्राइसिंग है वो है 13,59,900 रुपीज़ एक शोरूम प्राइस, और ऑन रोड अप्रॉक्सीमेटली आपको 16 लाख रुपए के आसपास अवेलेबल मिलने वाला है। सो दोस्तों ये था Kia Seltos फेसलिफ्ट का सेकेंड बेस मॉडल, और ये सारे फीचर्स आप लोगों को यहाँ पर अवेलेबल मिलने वाले हैं। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वेरिएंट कैसा लगा, ये फीचर्स कैसे लगे जो कि HT के वेरिएंट के अंदर मिलने वाले हैं। साथ ही अगर आप लोग HT के वेरिएंट लेने के लिए सोच रहे थे तो सारी डिटेल्स मैंने आप लोगों को दे दी हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग आ पाई होगी कि HT के वेरिएंट के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। सो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।